भारत देश परंपराओं का देश माना जाता है, जहां अनेकों परंपराएं आज भी प्रचलित हैं और कुछ खत्म होती जा रही हैं। अपने अपने क्षेत्र में इन परंपराओं का एक अलग ही महत्व होता है। ऐसी एक छत्तीसगढ़ की परंपरा है सुआ नृत्य। सुआ मतलब तोता। इस नृत्य को लेकर अलग अलग मान्यताएं भी सामने आती हैं। चलिए आज जानते हैं इस नृत्य के बारे में। छत्तीसगढ़ में परंपरागत तौर पर कई सारे लोक नृत्य आज भी प्रचलित हैं, जिनमें से एक है सुआ नृत्य। इस नृत्य में महिलाएं और युवतियों की टोलियां एक बांस के बने टोकरी में धान रखकर उसमें मिट्टी का बना तोता रखती हैं। इस बांस की टोकरी को लेकर युवतियां और महिलाएं की टोलियां घूम घूम कर सुआ नृत्य करती हैं। इस नृत्य को करने वाली महिलाएं द्वारा स्वयं ही ताली बजाकर सुआ गीत भी गाया जाता है। प्राचीन मान्यता है कि सुआ नृत्य करने महिलाएं जब गाँव में किसानों के घर जाती थी, तब उन्हें उस नृत्य के उपहार स्वरूप पैसे अनाज दिया जाता था। इसका उपयोग वे गौरा गौरी के विवाह उत्सव में करती थी। वहीं दूसरी मान्यता है कि सुआ नृत्य की शुरुआत दीपावली के दिन से की जाती है, और ऐसा माना जाता है कि पूर्व में दीपावली तक किसानों के खेतों से धान की फसल कट जाया करते थे, और इसी खुशी में घर घर जाकर युवतियाँ यह नृत्य किया करती थी और उपहार स्वरूप उन्हें नया अनाज दिया जाता था। Hey!